दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमेजोन का जो सेल होने वाला है 20 से लेके 23 के बीच में। तो उस सेल के बारे में मैं आपको सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील्स बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और नया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैंने देखो अभी काफी सारी चेंजेस कर लिए अपने चैनल पर। मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज कर लिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। और आपको हमारे चैनल पर ऐसी और वीडियोज मिलते रहेंगी, यूजफुल, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन के काफी सारे अच्छे डील्स बताने वाला हूं, जो अभी आपको 20 से लेकर 23 के बीच में देखने को मिलेंगे अमेजोन पर। तो मैं आपको सबसे नीचे से बताऊं, यानी कि 10,000 के नीचे अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहिए और काफी डिस्काउंट पर आपको मिलेगा, तो वो है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M02S। ये स्मार्टफोन अभी अभी लॉन्च हुआ है, शायद एक दो वीक हो चुके हैं स्मार्टफोन को, और काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप एक मल्टीमीडिया लवर है, यानी कि आप काफी सारी चीजें करना चाहते हैं, बस इसमें आपको ज्यादा गेमिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो चिपसेट है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का, यानी कि आपको स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट मिलता है। तो हाँ, अगर आप कॉलेज में जाते हो और बाकी कुछ काम करते हो, सिंपल सारी चीजें जैसे कि छोटे छोटे गेम्स खेलते हो जो कम एमबी के होते हैं, इसके अलावा आप मल्टीटास्किंग करते हो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल सही है। काफी बड़ी बैटरी भी मिलती है आपको इस स्मार्टफोन में, तो ये आपको कुछ 8,999 रुपीज में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इन सारे स्मार्टफोन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हाँ, जो सैमसंग गैलेक्सी M02S है वो काफी अच्छा स्मार्टफोन है और आपके लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आप शाओमी के फैन है, तो आपके लिए रेडमी का जो है रेडमी 9 पावर जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है। ये आपको 10,999 में मिलता है और काफी अच्छा स्मार्टफोन है। काफी बड़ी बैटरी मिलती है आपको, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, और इसका जो रैम है वो है स्नैपड्रैगन का 662, तो रैम भी काफी पावरफुल रैम है, तो आप गेमिंग भी काफी अच्छे से कर सकते हैं स्मार्टफोन में। तो गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल सही है आपके लिए। और हाँ, इसमें आपको SBI के साथ में और कुछ जो है डिस्काउंट मिलेंगे, तो SBI का अगर आपका अकाउंट है और आप इसका जो कार्ड है वो यूज करते हैं, तो इस पर आपको काफी सारे डील्स मिलेंगे। आपका जो टोटल प्राइस है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आप जरूर से चेक कर लेना। तो ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छा है। अभी हम लोग बात करते हैं 20,000 के प्राइस रेंज में। तो यहाँ पर एक ही स्मार्टफोन मुझे दिखता है जो काफी अच्छा है, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का जो है कैमरा मिल जाता है, वो है शाओमी का MI 10i, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। ये बिल्कुल नया स्मार्टफोन है, और खास बात इसकी ये कि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और वो भी सिर्फ 21,000 में, और साथ में इसमें आपको जो चिपसेट मिलता है वो भी काफी पावरफुल मिलता है, तो गेमिंग भी आप इसमें बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। तो ओवरऑल चीजें आपको डिस्प्ले के साथ में बाकी की सारी चीजें वो सारी काफी अच्छी मिलती है, तो ये आपको कुछ 21,999 का मिलता है, तो ये भी आप स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल सही स्मार्टफोन है, अगर आप कोई 20,000 के आसपास स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस है। और मैं आपको इस पर एक और ऑप्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सैमसंग के स्मार्टफोन्स पसंद करते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है। डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड का मिल जाता है, जिसकी वजह से आप धूप में जाते हो और अगर आप सुबह सुबह में बाहर जाते हो, तो आपका जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है वो आपको काफी क्लियर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको काफी बड़ा डिस्प्ले मिलता है, कैमरा सेटअप काफी अच्छा है, और ओवरऑल जो है ये स्मार्टफोन काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मेरी मानो तो अगर आपको जो शाओमी का MI 10i जो आया है वो पसंद नहीं है, तो आप ये स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। और सैमसंग के आपको पता है ब्रांड क्वालिटी जो होती है वो काफी अच्छी होती है, तो ये स्मार्टफोन भी आप परचेस कर सकते हैं। और हमारे लिस्ट में सबसे लास्ट स्मार्टफोन आता है, वो है फ्लैगशिप स्मार्टफोन, वो है OnePlus का 8T 5G। जी हाँ दोस्तों, और हाँ एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, जो MI 10i है वो एक 5G स्मार्टफोन है, यानी कि आप अगर फ्यूचर में 5G का सिम कार्ड लेते हो, यानी कि अभी तक तो इंडिया में आया नहीं है लेकिन फ्यूचर में जरूर से आएगा, तो ये 5G ऑलरेडी रेडी है स्मार्टफोन, तो आपको और कोई स्मार्टफोन खरीदने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे OnePlus 8T के बारे में। तो ओवरऑल काफी कमाल का स्मार्टफोन है, और ये आपको
सिर्फ 40,000 में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा है, तो अमेजोन काफ़ी अच्छे डील्स दे रहा है। और अगर आप कुछ SBI का कार्ड यूज़ करते हो, साथ में आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिलता है, तो इसकी प्राइस थोड़ी सी और आपको कम देखने को मिलेगी। तो प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, इसका जो कैमरा सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन प्लस के स्मार्टफोन्स हमेशा टॉप क्वालिटी के होते हैं, तो ये स्मार्टफोन भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 5 स्मार्टफोन जो आप अमेजोन सेल पर खरीद सकते हैं, जो 20 से लेकर 23 के बीच में होने वाला है। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप प्राइम मेंबर हो, यानी कि ऑलरेडी आपने प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, तो ये आपको एक दिन पहले ही जो है स्मार्टफोन्स बुक कर सकते हो या फिर ऑर्डर कर सकते हो। वैसे और भी स्मार्टफोन्स हैं जो काफ़ी महंगे, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S21, वो आप जैसे चाहे आप वैसे पसंद कर सकते हो, लेकिन ये जो मैंने 5 बताए थे वो टॉप क्वालिटी के स्मार्टफोन्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इन सारे स्मार्टफोन्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से बाय कर लेना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।